के पापों को नाश करने के पश्चात श्री कृष्ण भक्ति में बाधा करने वाले जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, श्री हरि उनका सबका नाश कर देते हैं। मोहर आस तारे मु करे सर्वनाश बाबा बसिक शुणी जी बाधक नाश करदे चारि प्रकार पाप तो नाश कर हरिनाम स्मरण मात्र पाप नाश हो गले। चारि प्रकार पापों को नाश करने के पश्चात आ श्री कृष्ण भक्ति रे जे बाधा करचंती हेटा अमर ना ना सीता बाबा चारिटा पाप तो आनुषंग मत तो नाश होश हो ठाकुर जहा कले मोर मंगल कले मोर जो पुरुषार्थ थ नाश करदेले मत भक्ति प्राप्त हो नाश है मोर तारी प्रेम प्राप्ति जो है शुभ अशुभ शुभ अशुभ भी नाश मोर है कि भाव्यक हमने कि मोर है भाव्यक हमने शुभ अशुभ बासना जगह बासना जगह बहुत बढ़िया बासना अशुभ बासना प्रातिकूल्य प्रातिकूल्य ने बाबा अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य विवर्जन ये प्रतिकूल ये सब तो श्री कृष्ण भक्ति में बाधा करने वाले जो शुभ और अशुभ कर्म हैं श्री हरि उन सबका नाश करते हैं। अविद्या अर्थात त्रिगुणमय माया अथवा तत्जनित अज्ञान कृष्ण बहिर्मुखता उत्पन्न करता ज्ञान का है का वे हरण करते हैं। ये सब मने उत्पन्न करता ज्ञान का हरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति के अनुष्ठान का फल जो प्रेमा भक्ति है उसको वे प्रकाशित करते हैं। प्रेम प्रकाशित करने के बाद उस भक्त के देह इंद्रिय मन सबको श्री हरि अपनी गुणों से हरण कर लेते हैं। हाँ? देह इंद्रिय मन सबको श्री हरि ने अपने गुणों से हरण कर लेते हैं। ऐसे तो कृपालु हैं श्री कृष्ण और ऐसे ही उनके गुण हैं। श्री कृष्ण के गुण ऐसे सर्वाकर्षक हैं कि धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की वासना को छुड़ा देते हैं। श्री हरि इस प्रकार सबके मन को हरण करने वाले हैं। हरि शब्द का मुख्यार्थों की इसी प्रकार व्याख्या की गई है। तो च अपि दुई शब्द अव्यय है जेई अर्थ लगाइए सही अर्थ कहे तथापि चकारेर कहे मुख्य अर्थ सात माने बाबा जो आत्मा रामा च च जो लगी चटा को बुझौच महाप्रभु हाँ चपी कही ना रामस्य मुनय हाँ निर्ग्रंथा अपी एटी च लगे अपी ये कहीं लगी विषय वर्णना कर महाप्रभु च अपी दुई शब्द अव्यय है जेई अर्थे लगाइए से अर्थ कहे तथापि चकार कहे मुख्य अर्थ सात। अब आत्माराम श्लोक अंतर्गत च और अपि शब्द के अर्थ कहते हैं।
चौर और पी ये दोनों शब्द व्याकरण में अव्यय कहे गए हैं, इनका रूपांतर कभी नहीं होता। ये दोनों जिन अर्थों में व्यवहृत होते हैं उन मुख्य अर्थों को कहते हैं। चौ शब्द के सात मुख्य अर्थ हैं। तथा ही विश्व प्रकाशे चान्मा चये समाहारे अन्योन्यार्थे च समुच्चये जत्नांतरे तथा पाद पूरणे प्यवधारणे। एक की एक की प्रधानता में समाहार में परस्परार्थ में समुच्चय में माने एठी बाबा समाहार माने एकत्रीकरण में और समुच्चय माने पूर्व वाक्य में अनुवर्तन करने में जत्नांत में श्लोक के पाद पूर्ण करने एवं निश्चय अर्थ में चौटा निश्चय अर्थ भी हो अर्थ में चौ का प्रयोग होता है। अपि शब्द मुख्य अर्थ सात विख्यात। अपि शब्द के भी अनेक अर्थ होते हुए मुख्यतः सात अर्थ हैं। उन्हें निम्नलिखित श्लोक में वर्णन करते हैं। तथा तत्रैव अपि संभावना प्रश्न शंका गर्हा समुच्चय तथा युक्त पदार्थेषु कामाचार क्रिया सुच। संभावना प्रश्न शंका निंदा समुच्चय युक्त पदार्थ एवं कामाचार क्रिया इन सात अर्थों में अपि शब्द का प्रयोग होता है। यही एकादशेर पर पदेर अर्थ निर्णय एवे श्लोकार्थ करी जहां जे लगायो लागयो। ब्रह्म शब्देर अर्थ तत्व सर्व बृहत्तम स्वरूप ऐश्वर्य करी नाही जार समम। आत्मा राम श्लोक में जो ग्यारह पद हैं उनका यहाँ तक पृथक पृथक अर्थ किया गया है। अब जिस पद का जहाँ जो अर्थ लगता है उसको मिलाकर श्लोक का अर्थ कहते हैं। पहले कहा जा चुका है कि आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म है। ब्रह्म कहने से क्या तात्पर्य है उसे अब कहते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सर्वापेक्षा बृहत्तम। सर्वापेक्षा बृहत्तम तत्व अर्थात जो सकल विषय में सकल अपेक्षा बड़ा है और एवं औरों को बड़ा कर सकता है, निजे भी बड़ा एवं अन्य को भी बड़ा कर देना सामर्थ्य होती वह तत्व ब्रह्म कहलाता है। जिसके स्वरूप एवं ऐश्वर्य के समान किसी का स्वरूप और ऐश्वर्य नहीं है वो ब्रह्म है। तथा ही विष्णु पुराणी बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच तद ब्रह्म परमं विदुहु। सर्वापेक्षा बृहत एवं सर्वव्यापक होने से उस तत्व वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। सही ब्रह्म शब्द कहे स्वयं भगवान जहां विनु कालत्वे वस्तु नाही आन। उस ब्रह्म शब्द से स्वयं भगवान का तात्पर्य है। कारण कि स्वरूप ऐश्वर्य एवं शक्ति में सर्वापेक्षा बृहत्तम स्वयं भगवान अर्थात सशक्ति का ब्रह्म ही है। उन स्वयं भगवान के बिना भूत भविष्य एवं वर्तमान काल में अन्य कोई भी वस्तु नहीं रह सकती। वे अद्वैत ज्ञान तत्व हैं। तथा ही वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सद्यति। श्रीमद् भागवत 1:2:11। तत्व को जानने वाले अद्वैत ज्ञान को तत्व कहते हैं। वह अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान इन तीन नामों से विख्यात हैं। सेई अद्वय तत्व कृष्ण स्वयं भगवान तीन काले सत्य से शास्त्र परमान। वह अद्वय तत्व स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही है। वे तीनों काल में सत्य वस्तु हैं ऐसा उनको शास्त्र प्रमाणित करता है। तथा ही अहमेवा समेवाग्रे नान्य दत् सदसत् परम पश्चादहम जदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्।
श्री ब्रह्मा को तत्व ज्ञान का उपदेश करते समय श्री कृष्ण अपना स्वरूप वंदन करते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि से पहले मैं ही था, सत असत अर्थात स्थूल जो जगत है एवं उसका कारण जो प्रकृति है वे भी मुझसे पृथक नहीं थे, सृष्टि के पश्चात भी मैं रहता हूँ, यह तो परिदृश्यमान जगत है यह भी मैं ही हूँ, प्रलय में जो बच रहता है वो भी मैं ही हूँ, आत्मा शब्दे कहे कृष्ण बृहत्व स्वरूप सर्वव्यापक सर्वसाक्षी परम स्वरूप। आत्मा शब्द का अभिप्राय बृहत्तम स्वरूप श्री कृष्ण से है, कारण कि वे ही सर्वव्यापक सर्वसाक्षी एवं परम या परमात्मा स्वरूप हैं। तो इति श्यामदास मूर्ति का चैतन्य चुमिंतु का शब्द निष्पन्न होता है, मैंने आत्मा शब्द निष्पन्न होता है आ अर्थात अत युक्त मन कर्तृवाच्य, आ का अर्थ है सम्यक रूप से और अत धातु बंधने अर्थात अत का अर्थ है बंधन करना और इससे आत्मा शब्द का अर्थ होता है जो सम्यक प्रकार से बंधन या बेष्टन करे वो आत्मा है, जो सब में और सर्वत्र व्याप्य कर अवस्थान करता है अर्थात जो सर्वव्यापक है वो आत्मा है, जो सर्वव्यापक है वो समस्त की क्रियाओं को समस्त की चिंताओं को भी जानता है अर्थात वह सर्वसाक्षी भी है, अतः जो सर्वसाक्षी है वही आत्मा है, सर्वव्यापकता एवं सर्वसाक्षित्व की जिसमें पराकाष्ठा है वही परम स्वरूप या परमात्मा है, श्री कृष्ण ही एकमात्र सर्वव्यापक है कारण कि वे ही आश्रय तत्व है, वे ही एकमात्र सर्वसाक्षी है क्योंकि वे अद्वैय ज्ञान तत्व है एवं त्रिकाल सत्य है, अतः सर्वव्यापक एवं सर्वसाक्षी होने से श्री कृष्ण ही परमात्मा या बृहत स्वरूप है, अतः आत्मा शब्द का अभिप्राय श्री कृष्ण भगवान से ही है, तथा ही आतत्तत्वाच मातृत्वात् आत्मा ही परमो हरि। ये भागवत 11 स्कंद द्वितीय अध्याय 45 नंबर श्लोक, आतत्तत्वाच मातृत्वात् आत्मा ही परमो हरि, श्री कृष्ण प्राप्ति हेतु त्रिविध साधन ज्ञान जोग भक्ति तीनेर पृथक लक्षण, तीन साधने भगवान तीन स्वरूपे भासे ब्रह्म परमात्मा भगवते प्रकाशे। उस अद्वैय तत्व श्री कृष्ण की प्राप्ति के साधन तीन प्रकार के हैं, ज्ञान योग एवं भक्ति, इन तीनों के पृथक पृथक लक्षण हैं, इन तीनों पृथक साधनों के अनुरूप वे श्री कृष्ण ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इन तीनों स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। चैतन्य चुम्बिंटी का एक ही अद्वैय ज्ञान तत्व या पर तत्व तीन प्रकार के स्वरूप से प्रकाशित होता है, उसका कारण यह है कि पर तत्व के स्वरूप की धारणा जीव के स्वरूप की धारणा तथा पर तत्व के साथ जीव स्वरूप के नित्य संबंध की धारणा पृथक पृथक है, अतः इन धारणाओं के पार्थक्य के कारण ज्ञानी योगी एवं भक्त की परतत्व प्राप्ति भी तीन प्रकार की हो जाती है। बाबा की कठिन हो पूरा एकदम तत्व विषय आसीगले गाढ़ मान एकदम गहन तत्व जगह आसीगले कहते एक ही अद्वैय ज्ञान तत्व या पर तत्व तीन प्रकार के स्वरूप से प्रकाशित होता है, तीन प्रकार के स्वरूप है, उसका कारण यह है कि पर तत्व के स्वरूप की धारणा गोटे हूँ पर तत्व स्वरूप की धारणा, अब जीव के स्वरूप की धारणा द्वितीय, तृतीय हूँ पर तत्व के साथ जीव के
स्वरूप के नित्य संबंध की धारणा, ये जो तीनटा तत्व कहले धारणा पृथक पृथक है, और अतः इन धारणाओं के पार्थक्य के कारण ज्ञानी योगी एवं भक्त की परतत्व प्राप्ति के भी तीन प्रकार की हो जाती है। कोई यह शंका उठा सकता है कि परतत्व का स्वरूप मन एवं वाक्य से अगोचर है, अतः जीव में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि जिसके द्वारा परतत्व के स्वरूप को, जीव के स्वरूप को एवं परतत्व के साथ जीव के नित्य संबंध के स्वरूप को सम्यक जान सके, जीवर का ही सामर्थ्य जान सके। ऐसी अवस्था में जीव उसकी जिस भाव से या जिस धारणा से क्यों न उपासना करे, परतत्व को अपना मुख्य स्वरूप ही जीव को अनुभव करना चाहिए। जीव की परतत्व को अपना मुख्य स्वरूप ही जीव को अनुभव करना चाहिए। यदि कोई जल की उपासना करे परतत्व को अपना मुख्य स्वरूप, यदि कोई जल की द्रावकता शक्ति या अग्नि की दाहिका शक्ति को न जानकर यह धारणा करे कि जल मिश्री को नहीं घुला सकता या अग्नि हाथ को नहीं जला सकती, तो क्या जल में मिश्री डालने से जल उसे नहीं धुलाएगा, या अग्नि में हाथ देने से क्या वो हाथ को नहीं जलाएगी? निश्चय ही जल मिश्री को घुला देगा और अग्नि हाथ को जला देगी। किसी व्यक्ति की अज्ञता के कारण जल एवं अग्नि अपनी शक्ति को पूर्ण रूप में प्रयोग करने में पीछे नहीं रहेंगे। उसी प्रकार परतत्व के स्वरूपादि को न जानने के कारण परतत्व भी कभी साधक जीव के निकट अपनी अपूर्ण शक्ति या अपूर्ण स्वरूप को प्रकाशित क्यों करेगा? वे पूर्णत्व स्वरूप से ही सकल साधकों के निकट आत्म प्रकट करेगा। अतः ज्ञानी योगी एवं भक्त अपने ज्ञान की अपूर्णता बस विभिन्न भावों से चाहे परतत्व की उपासना करते हैं, किंतु परतत्व की स्वरूप की प्राप्ति तो उन्हें एक ही रूप में होनी चाहिए। प्रश्न होती गोटे प्रकार ही समस्त अनुभूति होगा कथा तो अलग अलग कहीं कहले। इस शंका का समाधान यह है कि परतत्व का स्वरूप वाक्य मन के अगोचर है, यह बात सत्य है। तथापि वाक्य द्वारा उसके स्वरूप आदि का जितना प्रकाश किया जा सकता है, दिग्दर्शन स्वरूप से शास्त्र उसको प्रकाशित करता है। वाक्य द्वारा जी कहवा कथा शास्त्र कहते, साधक को शास्त्र के वचनों पर विश्वास करना ही होगा, नहीं तो साधन ही असंभव है। प्राकृत जगत में वस्तु शक्ति बुद्धि शक्ति की कोई अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि की दाहिका शक्ति को न जानकर भी यदि कोई उसमें हाथ डालता है तो अग्नि उसके हाथ को जला ही देगी। अग्नि सर्वज्ञ नहीं है, अंतर्यामी नहीं है, सर्वशक्तिमान भी नहीं है, और न ही उसके एक से अधिक स्वरूप ही है। हाँ, यदि वे सब बातें अग्नि में होती तो यह हो सकता था कि वो हाथ डालने वाले व्यक्ति के अभिप्राय को जान लेती और उसकी वासना पूर्ति के निमित्त वो अपना दूसरा स्वरूप जिसमें दाहिका शक्ति न होती वही स्वरूप ही हाथ डालने वाले व्यक्ति को दिखा देती। बहुत बढ़िया सुंदर उपाय उदाहरण दले माने बाबा कहते अग्नि को पाथरे अंतर्जामित्व तो नहीं, खाली तांगर दाहिका शक्ति ना अच्छी, तो जमीती भगवान अग्नि तो सर्वज्ञ नहीं, अंतर्जामी नहीं, सर्वशक्तिमान भी नहीं, और नहीं उसके एक से अधिक स्वरूप ही है। हाँ, यदि वे सब बातें अग्नि में होती तो यह हो सकता था कि वो हाथ डालने व्यक्ति को से देखे छोटो पिलाटा हाथरा मार दूसरी छाड़ देना से जानूनी अज्ञान पिलाटा से हाथ करदेला बोल कि तत्वटा को जो दाहिका शक्ति तत्वटा को लुचाई देते आ गोटे स्वरूप टाक प्रकाश कर दी था, ठंडा स्वरूप प्रकाश कर दी था, फल किसी एंता नहीं।
तो जाने वाले व्यक्ति के अभिप्राय को जान लेती है और उसकी वासना पूर्ति के निमित्त वो अपना दूसरा स्वरूप जिसमें दाई का शक्ति न होती वही स्वरूप ही हाथ डालने वाले व्यक्ति को दिखा देती। किंतु प्राकृत अग्नि के लिए ये सब असंभव है। अतः अग्नि अपनी वस्तु शक्ति ही प्रकाश कर सकती है, किंतु परतत्व के संबंध में ऐसी बात नहीं है। वे बुद्धि शक्ति की अपेक्षा रखते हैं, अतः उनका नाम है भावग्राही जनार्दन। बाबा अर्थात वे साथ बाबा बाबा कौन कहो हो जिंदगी अग्निर बा जलर दृष्टान खनन कले स्पष्टवादी कहू कि भगवान नाम स्मरण कले सत्संग बसिले गुरुआसित हेले देखते कौन है भाव चल शब्द हले तो हाँ बाबा भगवत प्राप्ति बा शांति इसमें उपलब्धि है कहले सत्संग कले भजन कले साधन कले या दृष्टांत जारे तुम्हें साधन विषय जाना कि न जान धाम विषय जाना कि न जान सत्संग विषय जाना कि न जान बसता संग नहीं सी तर निज गुण दया करम अनुसार तुम विषय तुम दोष गुण किसी विचार न करना दोष गुण देखे कि दृष्टांत जान एवं विश्व अग्नि भी दृष्टांत हो जान न जान विषय पर हो अग्नि से तात्पर्य अच्छी तात्पर्य तो किसी कहीं कम को आसान कौन ना आज मुझे सब दिन बसुच अशां दिन दिन बहुत सत्संग करूँ सब कथा कहूँ शांति विचार किसी कहीं प्रेम भक्ति विकार किसी मत प्राय स्वाभाविक प्रश्न ये विश्व अग्नि दृष्टांत कौन कम कला भगवान नाम हूँ विश्व तुल्य अमृत तुल्य अग्नि तुल्य देहर कृष्ण नाम नहीं सब कथा करूँ कहीं हूँ सब कौन लगे पंडित अरे तो विश्वास कर श्रद्धा ना त्याग ना अक्षय अपथ किसी करूँ आया दरकार अच्छी विश्व खाया पक्ष अपथ कर विश्व खाया कि अग्नि कि हाथ मारा पथे अपथ विचार कर हाथ मरा जाए पथे अपथ किसी विचार मानूनी नियम कान किसी मानूनी धर्म अधम किसी मानूनी गुण से देखे ये भगवान को डाकिले आड़े दृष्टांत यह दृष्टांत कि भगवान कहीं दृष्टांत अनुसार कार्य हो नौ आम कहला बेले से कथा हाँ तुम अपराध कल अपराध कल ज्योतिष मान कहला पर श्रद्धा न कले हबन सहनुगत हाथ न टेकिले हबन दुष्टा देला तो अग्नि अमृत दुष्टा दे जाए ठीक पुणे नहला बेले कहला बेले हाउ श्रद्धा हलानी विश्वास हलानी तुम कहीं यार समाधान ये भगवान ना ये तो जड़ बाले सब जड़ बाले केवल ता धर्म से कर
ତାଠୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଉ ଚିନ୍ତନ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ତା ଧର୍ମ କରିଦେଲା, ତା ପାଖରେ ସେ ବିଚାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥାନ ପବନ ବିଚାର ସେମିତି ପାଣି ବାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେତେ ଆମର ସ୍ଥାନ ଲୋକ ଥାଏ ତାର ଯାହା ଗୁଣ ସେ ଏହା କରିଦେବ ନା, ସେ ତାର ଚାହିଁବା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଜଡ଼। ସେ ତେଣୁ ସେ ଜଡ଼, ତାର ଚେତନା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସାଙ୍ଗରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କରୁଛ, ତମେ ଇଏ ଯାହା ସେ ତାହା। ଅଗ୍ନି କେବଳ ହିଁ ଦାୟିକା ଶକ୍ତି ଅଛି, କୌଣସି ପିତାର ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ବାଳକ ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଝିଅ ହଉ ସେ ବିଚାର କରିବନି, ତା ଧର୍ମ ହିଁ ଦେଖେଇଦେବ, ତା ମାନେ ଭଗବାନ ସେ କରିବେ। ବାଳକ ହଉ ଝିଅ ହଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖ ଗଲା ସେ ପୋଡ଼ିକି ଜାଣିଦେବେ, ନା ଖେଳ କେମିତି ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ମାନ ସେ ଅଛି, ସେ ବିଚାର କରିବେ ଜୀବର କଣ ଅଛି ବାସ୍ତବତା, କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କଣ ଆର ସାଧନ ଅଛି, କଣ ଆକୁଳ ଅଛି, କଣ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି, ସେ ଦେଖିବେ। ସେଟା ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ସାଧନ ହଉ ବା ଉତ୍ସାହ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ। ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ସେ କାମ କରିବେନି, ଜଡ଼ ଭଳିଆ ସେ କାମ କରିବେନି। ଅମୃତ ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଜଡ଼ ସବୁ, ସେ କଥା ଆମେ କହିଲେ କି ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଯାହା ଭଗବାନ ତାହା ନା କଣ, ଅମୃତ ଯାହା ଭଗବାନ ତାହା, ପାଣି ଯାହା ଭଗବାନ ତାହା, ବିଷ ଯାହା ଭଗବାନ ତାହା। ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଅତଃ ଅଗ୍ନି ଅପନି ବସ୍ତୁ ଶକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରି ସକତି ହେ, ବସ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଧର୍ମ ସେ ଫେରି ବି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଅଗ୍ନିର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଭଗବତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ପରମାତ୍ମା ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଭଗବାନ ତିନି ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ ଇତି ଶବ୍ଦ, ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠି କୃପା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁକୁ ଭକ୍ତକୁ ବା ସାଧକକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱ କାମ କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି କାମ କରିପାରିବ, କେହି କାହା କାମ କରିପାରିବନି। ଏ ଦକ୍ଷ କଥା ଭଗବାନ ବାବାଥର କହୁଥିଲେ ପୁରା, ଭଗବାନ ଦକ୍ଷ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ସଭାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭୂତ ଜଣେଇଲେ କିଏ ଜଣେ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ ଉପନିଷଦ ବାବା, କେନ ଉପନିଷଦ ଆସିଲେ ତୁମେ କିଏ ସେ ପରିଚୟ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ନାମ ପବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ମାନେ କଣ କରିପାରିବ, ପବନ ମାନେ କଣ ଏହା କରିପାରେ ମାତରିଶ୍ୱା, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଖାଲି ତ କହିଲେ ହବନି, ପରିଚୟ ଦେଲେ ହବ, କଣ କରୁଛ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ହେଲେ ଏଇ ସୂତାଟାକୁ ଟିକେ ଦୌଡ଼େଇ ଦେବୁ ଟିକେ, ଏଟା ହିଁ ଗୋଟେ କହିବୁ କେତେ ଲଗେଇଲା ତଟା କଥା ଲଗେଇଲା କିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଅଗ୍ନି ଆସିଲେ, ଅଗ୍ନି ଆସିଲେ ସେ ବି ଜଣେଇ ପାରିଲେ, ଯାହାର ଗୁରୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳକୁ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବୁଝିଲ କି ଏକଥା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସଭାରେ, ଯେମିତି ଯେମିତି ଜଣେ ଆସିଲେ ଆରେ ଚାଲ ତମକୁ ତା ଚରଣ ପଡ଼, ସବୁ ସାତଟା ହେଇକି ତମକୁ ତୃଣ ଧରିକି ତା ଚରଣ ପଡ଼ିଯାଉ ସବୁ, ତେଣୁ କା ଆଗରେ କଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କଣ ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଖରେ ବା ଭଗବତ ଦତ୍ତ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ତାହାକୁ ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତୁମେ ତୁମେ ଏଇ ବିଷ ଅମୃତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତୁଳନା କରିବ, ବିଷ ଯେମିତି ତୁମେ ଜାଣ ବା ନ ଜାଣ ଦେଇଦେଲେ ମରୁତ, ସେମିତି ନାମ ତୁମେ ଜାଣ ନ ଜାଣ ଯଦି ନାମ କଲ ତାହେଲେ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେବ କି ନାହିଁ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ, ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେବନି କୌଣସି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଅଗୋଚର, ସେଠି କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେଠି ଯାଇପାରୁନି, ଅଗମ ମାନସ ଗୋଚର ଇଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ସେତିକି କଥା ସେ କହୁଛି,
कि नहीं बाकी तक रहा बाकी तक भगवत कृपा महत कृपा भगवत कृपा बाकी तक से रास्ता रहा बुझे सात कृपा दौर ताकि कौन अच्छी ना केवल भगवत कृपा अच्छे जो कि से जहाँ वर्णन करेंगे से जहाँ को चाहिए जहाँ करने जहाँ को जो सेवा देवे से तो रास्ता रहा जो पर शास्त्र जापर जहाँ रहा मन जो पर्यटन जाऊँच साधन जो पर्यटन जीक रहा से हूँ भगवत कृपा से जहाँ इच्छा कर तुम्हारा कौन सी किसी काम आईपना किसी दृष्टान किसी काम ये तत्व अभ्रय तत्व कही कहार कौन से अहंकार द्वारा साधन द्वारा साधन तो ना ही से कर भगवान कृपा केवल सात आउ कौन सी साधन सात नहीं केवल सापक्ष भगवत कृपा से सब शेष होगा साधन ना से साधक कौन करवल आकुल व्याकुल प्राण हे प्राण जो छटपट हम से भगवत कृपा तेनालीना जो सात सर साधन सर से साधक तीनटा गति तीन भाई विभक्त है कौन ना जो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान सब्जेक्ट ज्ञानी स्तर को पड़े जाए स्तर को पड़े जाए भक्त स्तर को पड़े जाए ज्ञानी कहले हाँ भगवान सर्वव्यापक कौन ना जगह कि ना बस से ज्ञानी प्रतिष्ठित होगा भगवान सर्वव्यापक कम उत्तेजना कौन से समुद्र आसला पर बहु शक्ति आसला भगवान शक्ति आसला से मुग्ध है जो कि कह प्रत्येक हृदय तो परमात्मा अच्छा अंतर्जामी रूप अंतर्जामी रूप अच्छा दास से आसगला भगवान भगवान जिते सब अवतार भगवान आस भक्त पाखे भगवान आस भक्त वात्सल्य तीन स्तर एक ना तीन स्तर इच्छा सृष्टि साधक से ना भगवान जो भक्त भगवान तत्व को सी प्राधान्य विशेष कर साकार मूर्ति भक्त भगवान को लीला माधुर्य जो उत्पन्न हो सेटा को प्राधान्य दिखाई ज्ञानी प्राधान्य सर्वव्यापक सी ए कौन सी प्राधान्य नहीं समस्त हृदय प्राधान्य प्राधान्य रही स्वयं से अवतार है तो भक्त वास्तव्य अभिलाद कर सहित हू भक्त मान सहित हूँ जहां सब सुस्त क्रिया हूँ भगवत इच्छा क्रिया सब भाव गोपी मान कम ज्ञानी थे न खु गोपिका नंदन भगवान सब कौन हाँ। सब जानी देखो भक्त जी गोपी मान ज्ञान कथा कहते भगवान कथा कांदुच्च दर्शन देव पड़ो कि कमी जोगी ज्ञान जोगी ज्ञान कथा कही ज्ञानी सर्वभूतरे परमात्मा पर दिटा कथा कह भगवान कथा कह जोगी दिटा कथा कहला ज्ञान कथा कहला परमात्मा कथा कहला ज्ञानी ये जोगी कथा कही पार नहीं कि भगवान कथा कही पार नहीं केवल ज्ञान कथा कह कौन व्यापक ये गोटी के रहा जोगी दिटा कथा जाए भक्त तीन डाक कि नहीं जमीती क्षीर रे क्षीर केवल क्षीर कथा जान दही दीटा कथा जान आ लहणी तीन डाक कथा जान
ବୁଝିଲେ କି ତାପରେ ଘିଅ ସବୁ ସେ ଉପରୁ ଉପରକୁ ମୁଁ ଦେଉଛୁ ପୃଥିବୀର ଆକାଶର ବିକାର ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ବିକାର ଘିଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରସର ବିକାର ଶାନ୍ତ ଡୁବନା ମଧୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଧିକା ହେଇଗା ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛି ସେମିତି ଜ୍ଞାନୀ କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ନା ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ତ ଦୁଇଟା ଆଗ ଜାଣିଲା ଦୁଇଟା ଜାଣିଲା ତିନିଟା ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପକରେ ସେ ଏଠି ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଗୀ ପରମା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଏ ଦିଟା ରହୁନି ସେ ଦେଖିବା ଯାଇ ସନ୍ତୋଷ ହବ ତା ମେଳା ଖେଳ କରିବି ନଖଳୁ ଗୋପିକା ଗାଇଲା ବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ କି ନା ନା ଏମିତି ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ଦର୍ଶନ ଦିଅ କାନ୍ଦିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଯୋଉ କନ୍ଦନ ହୃଦୟର ଯୋଉ ଚିତ୍କାର ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଛି ଇତି ଗୋପ୍ୟ ପ୍ରଗାୟନ୍ତ ପ୍ରଳପନ୍ତ ଚିତ୍ରଦା ରୁରୁଦୁ ସୁସ୍ମରଣ ରାଜନ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା ଦର୍ଶନ ଲାଳସା ସେଇଠି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ଲାଳସା ରହିଲା କି ନା ହେ ଭଗବାନ ଧୀରେ ସ୍ଲୋରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଧୀରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସବୁଠି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଗିରି ତମ ହୃଦୟରେ ତ ବସିଛି ଆଉ ଦେଖିବି ଦେଖାଦେବି କଣ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ତ ରହିଛି ପରା ଆଉ କଣ ଦେଖାଦେବି ତାହେଲେ ଆଖି ଦିଟା କାହିଁକି ଦେଇଛ ବୋଲି ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ନା ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବ କହିଲେ ବାବା ଯୋଗୀ କାହିଁକି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କହିଲା ତାହେଲେ ଯଦି ଯଦି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହେଇକି ଅଛ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛ ଆଖି ଦିଟା କାହିଁ କାହିଁ ଦେଇଛ ଏ ଆଖି ଦିଟା କାହିଁ ଦେଇଛ ଆଉ ତମେ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିପାରିନି ଆଖି ଦିଟା କାହିଁକି ଆଉ ସାର୍ଥକତା ରହିଲା କଣ ଆସ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଯୋଗୀ ରୂପରେ କିନା ଧ୍ରୁବ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଧୀରେ 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 ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ପବନ ଖାଇ ପତ୍ର ଖାଇକି ସେସବୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇଲେ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ପୃଥିବୀ ଟଳମ ହେଲା ସେଥିରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଲେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ଗଲା ନାଶ ହେଇଗଲା କଣ ଏସବୁ ହଉଛି କାହିଁକି ସବୁ କା ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉନି ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଅଛି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯାଉ ଯାଉଛି କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଲେ ସେ କଣ କଲା ଭିତର ଭିତରଟା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଗଲେନି ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ସେ ଟିକଳ ହେଇଗଲାବେଳକୁ ଆଖି ଖୋଜିଲା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହାତ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କହିପକେଇବି କଣ ଗୋଟେ ବୋଲି ପକେଇବି ବୋଲି ଭିତରେ କଲେ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟ ଭୁବନ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର କଣ ଗୋଟେ କହି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କହିବାର କିଛି ଅଛି ଏଇଟା ସେଇଟା ରଖନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ସେ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ପ୍ରାୟ ବଡ ବଡ ବକ୍ତାମାନେ ରଖନ୍ତି ଯୋନ୍ତ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ମମ ବାଚ ମିମାମ ପ୍ରସୂତାମ ସଞ୍ଜୀବୟତ୍ୟଖିଳ ସ ଧର ସ୍ୱଧାମ୍ନା ଅନ୍ୟାଂଶ ହସ୍ତ ଚରଣ ଶ୍ରବଣାସ୍ତ୍ୱଗାଦିନ୍ ପ୍ରାଣାନ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷାୟ ତୁଭ୍ୟମ୍ ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ଭକ୍ତ ଦେଖିବ ଏଠି ଭଗବାନ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖିବା ଉପରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇଛି ଅବ୍ୟୟ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ତିନି ରୂପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଭଗବାନ କଣ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ନା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହସ୍ୟ
या उपरे जीव गोस्वामी पाद ना जो क्रम संदर्भ रे ते सुंदर भाव वर्णन प्रमाण कर माने ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे ये जो गुटे गुटे माने व्याख्या करा होती केमिति भगवत तत्व टा सब सर्वश्रेष्ठ ताको प्रमाण कर संदर्भ रे शब्दर को लेकिन कृष्ण ठीक तार फलाफल बाहर कृष्ण चरण नहीं लगे तार महामहिमा तत्व बाबा किंतु परतत्व के संबंध में ऐसी बात नहीं है जिंदो अग्नि जिंद रहूं तो वे बुद्धि शक्ति की अपेक्षा रखते हैं अतः उनका नाम है भावग्राही जनार्दन अर्थात वे साधक के भावानुरूप ही फल प्रदान करते हैं श्री गीता में भी कहा गया है ये यथा माम प्रपद्यन्ते दांग तथैव भजाम्यहम् जो मेरी जिस भाव से उपासना करता है मैं भी उस पर उसी भाव से कृपा करता हूँ अमृत विश्व आदमी दृष्टांत ठीक रहले आ रहले पर हां एक और विश्व सम्यक धारण दया पे साधन को प्राप्त करने पे साधन को प्राप्त करने पे एक प्रकार फल श्रुति हां ये दृष्टांत हो रहा फल श्रुति फल श्रुति की भगवान मिलती हां ना फल श्रुति नहीं भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि ज्ञानी योगी भक्त जो कोई भी किसी भी भाव से मेरा भजन क्यों न करे मैं उस पर एक ही प्रकार की कृपा करता हूं एटा तो कोई ना थी भगवान वे साधक के भाव या धारणा के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं कारण कि वे परतत्व भगवान सर्वशक्तिमान है सर्वांतर्यामी है एवं वे अनेक स्वरूप में आत्म प्रकट कर सकते हैं साधक की मनोवांछा को वे जान सकते हैं उसके अनुसार ही वे उसकी वांछा पूर्ति करते हैं यादृशी भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी अतः ज्ञानी योगी एवं भक्त के साधनानुरूप या उनकी विभिन्न धारणाओं के अनुरूप परतत्व की प्राप्ति भी विभिन्न तीन स्वरूप में होता है एक रूप में नहीं इटा प्रमाण कर प्रमाण कर गोटे प्रकार हबनी भगवान भक्त भाव जो भाई भगवान अनुरूप से साधक ज्ञानी संतोष रखा सेठिका रखे रहिला ये कहले जोगी कहले आपण से नुहति परमात्म उपरे समस्त हृदय अच्छा हाँ बास से भारत ना से नुह देखा सेठी सभ्य सेवक भाव से सेवा करी सेवा करी आप सेवे जो आनंद से उपलब्ध करी आप सहित के प्रकार भाव आदान प्रदान करी भाव आनंद लीला करी से सब दर्शन कर आनंदित हे यहाँ मोर दरकार तथा ही श्रीमद भागवते एक दुई एगार वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सद्यते अनुवाद के लिए श्लोक संख्या 22 द्रष्टव्य ब्रह्मा आत्मा शब्द यदि कृष्ण के कहय रूढ़ि वृत्ते निर्विशेष अंतर्जामी कय ज्ञान मार्गे निर्विशेष ब्रह्म प्रकाशे योग मार्गे अंतर्जामी स्वरूपे ते भासे ब्रह्म एवं आत्मा
शब्दों का यद्यपि व्यापक अर्थ श्री कृष्ण ही है, तथापि इन शब्दों का रूढ़ी वृत्ति से अर्थ ब्रह्म शब्द से निर्विशेष ब्रह्म तथा आत्मा शब्द से अंतर्जामी परमात्मा ही ग्रहण किया जाता है। ज्ञान मार्ग के साधकों के निकट निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप ही प्रकाशित होता है और योग मार्ग के साधकों के निकट अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप ही अभिव्यक्त होता है। भगवान भक्त पकड़े भक्त नहीं ही केवल कहते। अच्छा चैतन्य चुम्बिनटू का तीन प्रकार की वृत्ति से शब्दों का अर्थ ग्रहण किया जाता है। प्रथमतः यौगिक अर्थ किसी शब्द के धातु व प्रत्यय से जो अर्थ प्राप्त हो उसे यौगिक अर्थ कहते हैं। जैसे मद्यप पा धातु का अर्थ है पान करना, जो मद्य का पान करे उसे मद्यप कहा जाता है। यहाँ मद्यप शब्द का यौगिक अर्थ किया गया है। द्वितीयतः योगारूढ़ धातु प्रत्ययगत अर्थ समूह में विशेष एक अर्थ जहाँ ग्रहण किया जाए उसे योग रूढ़ अर्थ कहते हैं। जैसे पंकज पंकज शब्द का यौगिक अर्थ होता है उत्पन्न होने वाले अनेक पदार्थ पद्म कुमुद कीड़े आदि हैं, किंतु पंकज कहने से साधारणतः केवल पद्म ही समझा जाता है और कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता। अतः पंकज शब्द के पद्म अर्थ को योग रूढ़ कहते हैं। तृतीयतः रूढ़ी जिससे शब्द के धातु प्रत्ययलब्ध अर्थ को ग्रहण न करके अन्य अर्थ ही ग्रहण किया जाए उसे रूढ़ी अर्थ कहते हैं। जैसे मंडप मंडप शब्द का धातु प्रत्ययगत अर्थ होता है, जो मंड माने मांड का पान करे, किंतु मंडप कहने से मांड पान करने वाला नहीं समझा जाता, उससे पिंडाल हरि मंडप दुर्गा मंडप आदि अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। मंडप का रूढ़ी अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म का धातु प्रत्ययगत अर्थ है बृहत बृहत वस्तु, धातु एवं प्रत्यय से ब्रह्म का निर्विशेष अर्थ नहीं निकलता, अतः ब्रह्म कहने से जो निर्विशेष स्वरूप समझा जाता है वह ब्रह्म का ही रूढ़ी अर्थ है। तद्रूप आत्मा शब्द का जो अंतर्जामी अर्थ है वो भी रूढ़ी अर्थ है। ज्ञानी की एवं योगी की प्राप्ति का वर्णन करने के बाद अब अगले प्यार में भक्त की प्राप्ति के संबंध में कहते हैं। राग भक्ति विधि भक्ति हय दुई रूप स्वयं भगवत्वे भगवत्वे प्रकाश द्विरूप। राग भक्ति ब्रजे स्वयं भगवान पाय। राग भक्ति या रागानुगा भक्ति तथा विधि भक्ति, भक्ति के दो प्रकार हैं। जो राग मार्ग से भजन करते हैं वह परतत्व उन्हें स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन के रूप में प्राप्त होता है, एवं जो विधि मार्ग से भजन करते हैं उनके निकट वह परतत्व भगवान रूप में अर्थात वैकुंठाधिपति श्री नारायण के रूप में प्रकाशित होता है। इस प्रकार भक्ति मार्ग से उस पर तत्व की दो रूप में प्राप्ति होती है। राग मार्ग के भजन से श्री ब्रज में स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तथा ही श्रीमद् भागवत दसम स्कंद इटा कौन डा बाबा नौ 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 अध्याय 29 श्लोक। नायं सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुत ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम जता भक्ति मता मिह। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है ये यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण भक्त व्यक्तियों को जैसे सुलभ एवं अनायास प्राप्त होते हैं देहाभिमानी पुरुषों को तथा देहाभिमान शून्य ज्ञानी पुरुषों को और तो क्या ब्रह्मा शिव वो लक्ष्मी आदि भगवान के आत्मभूत स्वरूप को भी उसी प्रकार अनायास एवं सुलभ रीति से प्राप्त नहीं होते हैं।
मोर मन फल पानी पशुपति पवित्र धूल आसे पासे हरि बोला मोहर प्रिय सम बाबा कि भक्त बात्सल्य देख भक्त प्रति एकदम सब किसी ढाली दूसरी भगवान एकदम प्रिय ओहो आने ब्रह्मा शिव लक्ष्मी भाई कही नुह बात भल पाते भगवान एकदम मधुरता वास्तवता भक्त भगवान आत्मता जोगे ज्ञान ज्ञान जोगे ज्ञान शुष्क निम्ब फल शुष्क कठोर लोक को टे देखनी मधुर बाणी टे शुण पार नहीं ना जोगी ठार ना ज्ञान ठार मधुर बाणी शुण पार कठोर कथा कह हृदय को चिन्हे हृदय कौन आर्धर कथ कहे कस्तूरी नाभि मृग नाभि अच्छी कौन कस्तूरी से भूली जाए आर सारे बुलू कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन बाई ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना देखे तो पाखे अच्छी भगवान तुम आर सारे कौन बुलू सरस वचन नहीं सरसता किसी नहीं सरसता किसी नहीं सरसता केवल ही प्रेम भक्ति प्रेम प्रेम भक्त प्रेम भक्त कौन था भक्त दीटा जिनस है ना भक्त भगवान है तो अवतार मान कह अवतार आ परमात्मा को चिंता करे आम जो प्रत्येक हृदय परमात्मा मानते सी माय रूप गोटे धरती प्राय ज्ञानी जोगी मान भगवान अवतार माय कह वास्तवता देवे माया किंतु भगवान स्वयं आज अवतीर्ण हो मैंने भगवान जे कौन से गोटे कौन सीमित है गोटे शरीर धरव ना माय रूप से गोटे कौन गोटे आवश्यक हम से मन कर व्यापक तत्व सर्वत्र समान बोलिए अरे तत्व विचार कले तार महिमा गान पाई से व्यापकता बोली कह महिमा सूर्य व्यापकता किरण किरण सूर्य व्यापकता तर शक्ति महात्म वर्णना करने सर्वत्र समान भाव अच्छी कह सूर्य नहां ना सूर्य असत्य भगवान तेजपुंज हूं परमात्मा व्यापकता तेजपुंज कला किरण ज्योत्सना प्रभाव प्रकाश 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 संतुष्ट हो जाए बोलिकी सिद्धांत तेरे जहां हृदय जहां प्रतिष्ठित हो जाए हटे बड़ा कष्ट आक्षेप कर ठीक नहीं आक्षेप करते
कहीं जहां हेले भी भगवान को चित्र से अच्छे भगवान कहीं भगवान सबकि भगवान केवल आम शाश्वत सिना तारतम्य करा भगवान सबकि भगवान